क्योंकि अंत में क्रिया के साथ में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ आता है, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इन टेंस को लिखने के लिए हम पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं और इसके साथ में बीन का यूज किया जाता है। चलिए हम इंग्लिश में इनकी पहचान देखते हैं कि कैसे होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू, कुछ ऐसा एक्शन जो का पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। शुरू पास्ट में किया था, अभी तक चल रहा है, उस चीज को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट फिनिश्ड, अभी फिनिश हुआ है बट हुज इफेक्ट स्टिल कंटिन्यूस, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी चल रहा है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसका आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं पानी दे रहा था पौधों में तो मैं थक गया हूँ, मैं अभी भी थकी हूँ, लेकिन क्या है, पानी कब दिया था, सुबह दिया था, तो क्या है, जस्ट फिनिश हो चुका है वर्क लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट क्या है, कंटिन्यू है। इज इट क्लियर? चलिए अभी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता हैज और हैव, उसके साथ में बीन, हैज और हैव के साथ में बीन कंपलसरी है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है इसके साथ में, तो कंटिन्यूअस में हम यही करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, तो वो इसमें भी लगेगा। और ऑब्जेक्ट एक है इसमें, अगर आपके पास टाइम फिक्स दे रखा है तो आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम फिक्स नहीं है तो आपको फोर का यूज करना पड़ेगा सेंटेंस में। जैसे अभी मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। अभी यहाँ देखिए, मैं इस शहर में 2010 से रह रही हूँ, सॉरी हम इस शहर में 2010 से रह रहे हैं। तो अभी सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, वी, हम, अभी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता हैव, तो हमने हैव लगा दिया, आई वी के साथ हैव लगेगा, बाकी ही शी इट सबके साथ में हैज लगेगा। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010, अभी हमारे पास फिक्स टाइम है कि मैं कब से रह रही हूँ, 2010 से हम रह रहे हैं, तो उसके लिए हमने सिंस का यूज किया। अगर इसी सेंटेंस को मैं फोर के अकॉर्डिंग लूंगी तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब मैंने यहाँ 10 ईयर्स ले लिया, ये इसके लिए 10 ईयर्स के लिए हमने फोर का यूज किया, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ फिक्स टाइम नहीं है 10 ईयर्स। अभी यहाँ तो मैंने बता दिया कि 2010 से रह रहे हैं, बट यहाँ तो मैंने 10 साल लिया, अभी 10 साल कौन से 10 हो सकता है, 2010 भी हो सकता है, 2009 भी हो सकता है, उससे पहले का भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कौन से 10 सालों से रह रहे हैं, तो जहाँ फिक्स टाइम नहीं है वहां हम फोर का यूज करते हैं, और जहाँ हमारे पास फिक्स टाइम दिया हुआ हो तो वहां हम सिंस का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब हमारे पास फिक्स टाइम है कि कब से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो मॉर्निंग आ गया, तो यहाँ हमने किसका यूज किया है, सिंस का, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से बारिश हो रही है, तो इसके लिए हमने क्या लगा लिया, सिंस का यूज किया है। अभी अगर मैं यहाँ बोलूं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो फिर हम यहाँ सिंस की जगह क्या लगाएंगे, फोर टू आवर्स। अगर मैं बोलूं इस 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो फिर हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे।